News, हम केवल खबर नहीं सच दिखाते हैं। कर्तव्य राष्ट्र पार्टी की दलित मुस्लिम सम्मान बचाओ यात्रा के 5 दिन पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष किरण आरसी चाटा मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां उन्होंने डीएम मुजफ्फरनगर को सुरक्षा के मद्देनजर ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि अनेकों फोन पर यात्रा को समाप्त करने के लिए धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत से यात्रा को नहीं रोकेंगी। उन्होंने प्रशासन और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने यात्रा के दौरान सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। हम खुद ही गवर्नमेंट का जितना भी बजट है हम ही निकाल के उन मंदिरों से दे देंगे। आज जब मुजफ्फरनगर पहुँचे, मुजफ्फरनगर में कितने दिन हमारा ये 3 दिवसीय है दौरा। यहाँ पर हमारी अभी जो हमारी सभाएं लगी है चौराहे पे और कुछ बस्तियों में हमारी सभाएं लगी है, वहाँ पे हम सभा लगाएंगे और हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है साथ में। और हम एक नारा भी लेके चले हैं कि एक बेटा एक बेटी दो, कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी को अपने समाज का नेता दो, ये हमारा नारा भी है। और इस नारे को है ना सब अमल भी कर रहे हैं, जो भी हमारे संपर्क में आ रहा है और हमारे साथ बारवा जुड़ता ही जा रहा है। ये मैं आई हूँ यहाँ पर डीएम महोदय से मिलने आई हूँ, क्योंकि हमारी यात्रा 3 दिसंबर से चली है, 3-4 दिन हमारी यात्रा को चलते हुए हो गए, अभी भी प्रशासन ने हमें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। जबकि हमारे पास 2-3 फोन भी आए हैं जिसमें हमें धमकी भरे लहजे से ये कहा गया है कि आप आइए तो जरा सामने आप अपनी ये रथ यात्रा जरा बंद करिए, और ये जो आपने दलित और मुस्लिमों का सम्मान बचाओ रथ यात्रा निकाल रहे इसको समाप्त करिए आप।